मंत्री के सुरक्षा कर्मी आपस में भिड़ गए हैं। मंत्री शमीम अहमद के सुरक्षा कर्मियों में मारपीट हुई। आरजेडी दफ्तर के बाहर मंत्री के सुरक्षा कर्मी आपस में ही भिड़ गए हैं। स्पेशल ब्रांच के जवान ने सरकारी बंदूक भी निकाली। ये सारा मामला आरजेडी के दफ्तर के बाहर हुआ है, जब मंत्री शमीम अहमद की सुरक्षा में तैनात बीएमपी के जवान और स्पेशल ब्रांच के पुलिसकर्मी ने अपनी सरकारी बंदूक निकाल ली। ये तस्वीरें जरा आप देखें किस तरीके से सुरक्षा कर्मी है जो आपस में ही भिड़ गए हैं, मारपीट कर रहे हैं। देखिए आप, ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कई लोग बीच बचाव में आए, मामले को उसके बाद शांत कराया गया। जिस तरीके से दोनों सुरक्षा कर्मी आपस में ही भिड़ गए हैं आरजेडी दफ्तर के बाहर। दरअसल मंत्री के सुरक्षाकर्मी भिड़ते हुए नजर आए, स्पेशल ब्रांच के जवान ने अपनी सरकारी बंदूक निकाल ली। जरा आप सोचिए अब किस तरीके से वहां पर स्थिति हो गई होगी। ये पूरा मामला जो है ये आरजेडी के दफ्तर के बाहर हो रहा था, ये पूरा विवाद आरजेडी दफ्तर के बाहर हो रहा था। ये देखिए आपस में ये दोनों सुरक्षाकर्मी हैं, मंत्री हैं शमीम अहमद, उनकी सुरक्षा में ये तैनात रहते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर पहले इनके बीच कहासुनी हुई और उसके बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये आपस में ही मारपीट करने लगे। ये कहा जा रहा है कि बीएमपी के जवान और स्पेशल ब्रांच के ये पुलिसकर्मी हैं जो आपस में ही लड़ रहे थे। इतना ही नहीं, इस लड़ाई के बीच में सरकारी बंदूक तक इन्होंने निकाल ली, एक दूसरे पर अपनी बंदूक तान दी। ऐसे में कई लोग बीच बचाव में आए और फिर किसी तरीके से मामले को शांत कराया गया है।